पवन जी, आप त्रिपुरारी जी के बेटे हैं। जी, मैं श्री त्रिपुरारी भास्कर जी का बेटा हूँ। बताओ, अच्छा आपका जौनपुर में कहाँ पे घर है? मेरा जौनपुर में ओलनगंज से गुलर घाट की तरफ एक रोड आती है जी, उसी रोड पे ही मेरा घर है। वो पुराना घर आप लोग का? पुराना घर हमारा है। ठीक है, और ये लखनऊ में आपने अभी पिताजी ने बनवाया? जी, ये घर अभी लखनऊ में बनाया गया है 2011। तो आपके पिताजी ने जौनपुर के ऊपर बहुत काम किया है। बिल्कुल, वो पूरे तरह समर्पित रहे हैं। बिल्कुल समर्पित रहे, और उनको ये दुख भी है कि जौनपुर अपना वो स्थान नहीं पा सका जो उसको मिलना चाहिए था। बिल्कुल, और आज भी वो पिछले 40-45 सालों से सिर्फ इस कार्य में लगे हुए हैं कि जौनपुर को किस तरीके से दुनिया के शहरों में शुमार किया जा सके। जी जी, और इस संबंध में वो पता नहीं कितने मंत्रियों से, पता नहीं कितने IAS अफसरों से, जौनपुर से रिलेटेड पर्यटन के सचिव, चेयरमैन, मैनेजर्स, कितने लोगों से मिल चुके, लेकिन उन लोगों के दिमाग में जौनपुर की जो एक छवि बनी हुई है, जो दिमाग में उन लोगों के एक डाउट्स हैं जौनपुर से रिलेटेड, क्योंकि जौनपुर में ऐसी कोई भी सरकार नहीं रही, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो BJP की हो, चाहे वो समाजवादी की हो, चाहे वो बसपा की सरकार हो, ऐसी कोई भी सरकार नहीं रही है जिसके 2-3-4 मंत्री कैबिनेट में और राज्य स्टेट मिनिस्ट्री में न रहे हों, और इसके बावजूद भी हमारे जौनपुर का विकास आज पिछले 40-50 सालों से नहीं हो पा रहा है। इसका क्या कारण है, इसको ढूंढ पाना, इसको समझ पाना समझ से एकदम परे है। उसके लिए सही बात है। अच्छा, जौनपुर को आप तरक्की चाहते हैं? बहुत बहुत बहुत। और जौनपुर की तरक्की संभव, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि मिल के काम करने से है। जब कई लोग मिल के जौनपुर के बारे में सोचेंगे अच्छे से, बिल्कुल, तो यकीनन उस आवाज़ को अनसुना नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम भी चाहेंगे कि आपका सहयोग हम लोग को मिलता रहे, ताकि जौनपुर जो है आगे तरक्की करे, और पिताजी का जो काम है उसको आप आगे बढ़ाते रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।